अग्निपथ का पहला ट्रायल होने वाला है। जैसे एक लड़के के जगह 10 से 15 लड़कों को पास किया जाएगा। सीट तो सिर्फ 10 ही रहेगा, 10 ही लोगों को पास करना चाहिए ना, लेकिन 10 लोगों को पास नहीं किया जाएगा, लोगों को बुलाया जाएगा, तो उसमें भी बहुत तगड़ा वाला कॉम्पिटिशन होगा मेरे भाई, वो समझ से किया जा रहा है। जय हिंद एवरीवन। सबसे पहले हमारे तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर यार, आप लोग भी हमें हैप्पी न्यू ईयर बोल देना, क्योंकि अभी हम लोगों का शुरुआत अच्छे तरीके से करना है। अब जो 2022 में हुआ वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन 2023 को हम लोगों को बेस्ट बनाना है मेरे भाई, और लगातार मेहनत करते रहेंगे तभी हम लोग अपना बेस्ट बना पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी देखो अग्निपथ भर्ती को लेकर एक न्यूज निकल कर आया है, मैं आप लोगों को पूरा न्यूज पेपर का कटिंग दिखा रहा हूँ। अभी पता है आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, ट्विटर पर ADGPI के द्वारा ट्वीट किया गया था कि अब आर्मी में पहले दौड़ नहीं कराया जाएगा, पहले पेपर कराया जाएगा। तो इस बात को लेकर अभी भी कुछ भाई लोग कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अभी ग्वालियर में शायद 9 जनवरी को मतलब अग्निपथ का पहला ट्रायल होने वाला है, और पता है क्या बताया गया है, न्यूज पेपर में साफ साफ लिखा गया है कि जैसे एक लड़के के जगह 10 से 15 लड़कों को पास किया जाएगा। अब प्रक्रिया ऐसे चलने वाली है, मान लो आपके आरओ में 10 सीट आ रहा है और 10 सीट की जगह 1000 लोग आर्मी में ऑनलाइन कराकर पेपर देने जा रहे हैं, तो सीट तो सिर्फ 10 ही रहेगा, 10 ही लोगों को पास करना चाहिए ना, लेकिन 10 लोगों को पास नहीं किया जाएगा, मतलब 10 लोगों की जगह 100 से 150 लोगों को पास किया जाएगा, फिर उन लोगों को एडमिट कार्ड दिया जाएगा, उसके बाद से उन लोगों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। अब उसमें से कंपटीशन होगा, जो भाई एक्सीलेंट मारेंगे उन लोगों को अलग नंबर दिया जाएगा, और जो लोग गुड मारेंगे उन लोगों को अलग नंबर दिया जाएगा। फिर से जो लोग मतलब जैसे मान लो पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो जो लोग 40 क्वेश्चन किए रहेंगे और एक्सीलेंट मारे रहेंगे, तो 10 सीट में सबसे पहला नंबर तो उन लोगों का नाम आएगा, उसके बाद से जो लोग गुड में रहेंगे और मतलब अच्छा क्वेश्चन किए रहेंगे, उसके बाद से उन लोगों का नाम आएगा। तो मिला जुला कर मेरिट लिस्ट जिस तरह से बनती है ना, आगे की प्रक्रिया उस तरह से होने वाली है। पहले आप लोग पूरा का पूरा न्यूज पेपर का कटिंग देख लो, अभी जो 9 जनवरी को पेपर भर्ती होने वाला है उसके बारे में जो भी बताया गया है मैं सारी चीजें आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। पूरा का पूरा न्यूज पेपर का कटिंग मैं आपको सारी की सारी बातें बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर लिखा गया है अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, और नीचे लिखा गया है पहले लिखित परीक्षा कराने की तैयारी, और देखो यहाँ पर लिखा गया है अमित मिश्रा ग्वालियर। तो ये न्यूज़पेपर ग्वालियर के तरफ से निकल कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा गया है 9 जनवरी को ग्वालियर में होगा ट्रायल। और देखो यहाँ से लिखा गया है भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने के लिए अब पहले शारीरिक परीक्षा नहीं बल्कि लिखित परीक्षा देनी होगी, भर्ती प्रक्रिया में यह बड़ा बदलाव होने जा रहा है, इसके लिए ग्वालियर में 9 जनवरी को ट्रायल होने जा रहा है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह बदलाव नए साल से लागू हो जाएगा। दरअसल भारतीय सेना में सैनिक जनरल ड्यूटी, सैनिक क्लर्क और सैनिक ट्रेडमैन भर्ती प्रक्रिया में पहले शारीरिक प्रवीणता परीक्षा होती है, इसके बाद जो अभ्यर्थी चयनित होते हैं उनका मेडिकल प्रशिक्षण और फिर उनकी लिखित परीक्षा होती है। लंबे समय से भारतीय सेना इसमें बदलाव करने की तैयारी में थी, जिसके तहत सबसे पहले कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट आंखित परीक्षा, इसके बाद शारीरिक प्रवीणता परीक्षा और बाद में मेडिकल टेस्ट कर चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी करनी है। इस बदलाव की पूरी तैयारी कर ली गई है, इसके तहत भारतीय सेना और एजुकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के तहत OMU साइन हो चुका है। अभी तक OMR सीट पर लिखित परीक्षा होती है, यह परीक्षा सेना द्वारा ही आयोजित कराई जाती है, लेकिन अब लिखित परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी। इसके बाद रिक्त पदों के 10 से 15 गुना अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जैसे ये जो बोल रहा है ना, 10 से 15 गुना अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, तो मतलब अगर 20 सीट रहेगा तो मतलब 200 लोगों को वहां पर भर्ती के लिए बुलाया जाएगा, 200 लोगों को पास किया जाएगा, वही यहां पर लिखा गया है। उसके बाद यहां लिखा गया है इन्हें ही शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी होंगे, फिर इसमें चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल प्रशिक्षण होगा। इस न्यूज़पेपर में जो कुछ भी लिखा गया था मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें बता दिया हूँ। देखो ये न्यूज़पेपर ज्यादा पुराना नहीं है, अगर ज्यादा पुराना रहता ना तो इसमें यह नहीं लिखा रहता कि 9 जनवरी को ग्वालियर में अग्निपथ का पहला भर्ती का ट्रायल होने वाला है। तो आप लोग अपना तैयारी जबरदस्त तरीके से शुरू कर देना, और जितने लोगों के पास ये NCCC है ना तो वो लोग ग्राउंड में जाकर दौड़ते रहना मेरे भाई। अब ऐसा भी नहीं है कि मतलब अग्निपथ में पहले पेपर कराया जाएगा तो दौड़ हार्ड नहीं कराया जाएगा, हाँ थोड़ा नॉर्मल होगा लेकिन उतना नॉर्मल भी नहीं होगा मेरे भाई, ये इंडियन आर्मी की भर्ती है। अब मान लो एक सीट की जगह 10 से 15 लोगों को बुलाया जाएगा तो उसमें भी बहुत तगड़ा वाला कंपटीशन होगा मेरे भाई, जो कुछ भी किया जा रहा है ना बहुत सोच समझ से किया जा रहा है। तो आप लोग पढ़ाई पर भी फोकस करना और दौड़ने पर भी फोकस करना, अपना वार्म अप करते रहना अगर इंडियन आर्मी का सपना है तो, और जितने भी भाई पढ़ाई में लग गए ना वो लोग तो बहुत अच्छा रास्ता चुन लिया है, क्योंकि अभी भी उन लोगों के पास टाइम है, अगर साल भर अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे ना
तो SSC के अंदर इतना ज्यादा भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा कैलेंडर भी दिखा दिया था, उन लोगों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। जो लोग एकदम नहीं पढ़ना जानते हैं, मतलब शुरू से ग्राउंड में दौड़े हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों का थोड़ा मतलब खराब होगा, ठीक है ना। उन लोगों का तो एज भी खत्म हो गया है, तो इसलिए मेरे भाई अभी आप लोगों के पास टाइम है, अभी बहुत सारी भर्तियां निकलने वाली है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अच्छे से तैयारी करते रहोगे ना तो एक ना एक दिन आप लोगों का भी फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अब रिजल्ट रोज रोज नहीं निकलता है मेरे भाई, हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं ना, मतलब हमारे साथ ही रहते हैं सब, और बाद में जब रिजल्ट निकलता है ना तो वो लोग पेपर दिए रहते हैं, पता चलता है कि उन लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो उस दिन बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है यार। वो देखते हैं अपना भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, अब जो भी न्यूज़ निकलेगा मैं आप लोगों को सारी चीज़ें आसानी से बता दूंगा, बस आप लोगों को अपना तैयारी पर फोकस करना है, ठीक है ना। जय हिंद। और देखो ये न्यूज़पेपर मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, और कोई भी भर्ती निकाला जाएगा तो टेलीग्राम चैनल में मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। SSC का कैलेंडर भी मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया हूँ।